सीजन्स ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बारबिट्यूरिक एसिड का सिंथेसिस, जिसको हम बनाएंगे यूरिया का इस्तेमाल कर। यानी इस सिंथेसिस में हमारा रिएक्टेंट है यूरिया और हमारा प्रोडक्ट जो है वो है बारबिट्यूरिक एसिड फ्रॉम द बारबिट्यूरेट कैटेगरी। तो ये है बारबिट्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में से तीन कार्बन पर, अल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ग्रुप है, तो दो कार्बन यानी अगर हम इस ऑक्सीजन को अगर वन कंसिडर करते हैं तो टू और फोर पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप है और वन थ्री और फाइव पोजीशन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। इसका जो एम रहेगा आपके सिलेबस के अनुसार वो है टू प्रिपेयर एंड सबमिट बारबिट्यूरिक एसिड, ओके, टू सिंथेसाइज एंड सबमिट बारबिट्यूरिक एसिड बाय यूजिंग यूरिया और यूजिंग रिएक्टेंट एज अ यूरिया। इसके लिए जो बुक हमने रेफर किया है वो है ओगेल्स टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ब्रायन एस फर्नेस, एंटोनी जे हैनफोर्ड, पीटर डब्ल्यू जी स्मिथ एंड ऑस्टिना टैटके। इनका द्वारा एडिटेड है ये और इसका फिफ्थ एडिशन हमने यूज किया है, जिसमें पेज नंबर 1176 इस पर ये पूरा डिटेल्स दिया गया, उसको ही हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया। रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो हमें जरूरी केमिकल्स हैं वो है सोडियम मेटल, इथेनॉल, डाइथाइल मेलोनाइट, यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसके बाद इसमें जो हमें अपैरेटस जरूरी होंगे वो है RPF, रिफ्लक्स कंडेंसर, बीकर, बचनर फनेल, मेजरिंग सिलेंडर और फिल्टर पेपर, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। और इसके पीछे जो सिंथेसिस है उसके पीछे जो थियरी काम कर रही है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिस प्रिंसिपल पर सिंथेसिस डिपेंड है। तो सिंथेसिस ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड इज इफेक्टेड बाय कंडेंसेशन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट, कंडेंसेशन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट विथ यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, the presence of sodium ethoxide which may be prepared by reacting sodium metal with ethanol and it undergo cyclization reaction with diethyl malonate। okay, इसमें क्या है, बारबिट्यूरिक एसिड को कंडेंसेशन के जरिए बनाया गया है जिसमें डाइथाइल मेलोनेट और यूरिया का कंडेंसेशन किया है। पर ये कंडेंसेशन होने के लिए हमें जरूरी है सोडियम एथॉक्साइड, यानी सोडियम इथॉक्साइड के बगैर ये डाइथाइल मेलोनेट और यूरिया का कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें सोडियम इथॉक्साइड यूज करना। तो सोडियम इथॉक्साइड कहाँ से बनाएंगे, बाय रिएक्टिंग, यानी किसको रिएक्ट करेंगे हम, सोडियम मेटल को, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल, यानी सोडियम मेटल और इथेनॉल की जगह जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा और इसी के प्रेजेंस में हमारा डाइथाइल मेलोनेट और यूरिया कंडेंस होगा जो हमें मिलेगा बारबिट्यूरिक एसिड। ओके, तो इसी वजह से साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड की वजह से, ओके, विद डाइथाइल मेलोनेट। दिस इज द रिएक्शन, डाइथाइल मेलोनेट यूरिया गिव्स यू दिस रिएक्शन, सो सिंपल। ओके, इसको हम इधर साइड से भी लिख सकते हैं तो आपके समझ में इजीली आएगा, या बारबिट्यूरिक एसिड सिंपली समझने के लिए डाइथाइल मेलोनेट C2H5O H2 इस तरह से काम करेगा, सोडियम इथॉक्साइड बाहर, इथेनॉल बाहर, सोडियम इथॉक्साइड की वजह से इस तरह से रिएक्शन दैट इज आवर बारबिट्यूरिक एसिड। उसको आप लिखकर जब लिखेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको डेफिनेटली रिएक्शन समझ में आ जाए। अब एक्चुअल प्रोसीजर कैसे वर्कआउट होता है हमारा सिंथेसिस, तो सबसे पहले आपको असेंबल करना है डबल सरफेस रिफ्लक्स कंडेंसर विथ 2 लीटर राउंड बॉटम प्लस, यानी असेंबली ऐसे सेट करने की टॉप साइड में आपका अपर साइड में जो है रिफ्लक्स कंडेंसर होगा, नीचे 2 लीटर का RPF होगा। ओके, इसके अंदर आप क्या कीजिए, RPF के अंदर आपको प्लेस करना है 11.5 ग्राम क्लीन सोडियम। ओके, और उसमें आपको ऐड करना है 250 ml ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल, थोड़ी थोड़ी पोर्शन में आपको ऐड करना है।
यानी आरबीएफ में क्या करेंगे आप, 11.5 ग्राम सोडियम रखेंगे, सोडियम बेटर, उसमें थोड़ा थोड़ा इथेनॉल ऐड करते जाएंगे। ओके, टोटल इथेनॉल हमें ऐड करना है 250 ml। इफ द रिएक्शन इज अनड्यूली विगरस, इमर्ज द फ्लास्क विद इन दिस। अब देखिए, जब आप सोडियम के अंदर इथेनॉल ऐड करते जाएंगे थोड़े थोड़े पोर्शन में, तो आपको रिएक्शन विगरस लगेगी, यानी फास्ट रिएक्शन होगी, ऐसा लगेगा कि अब फ्लास्क में से पूरा सोल्यूशन बाहर आ जाएगा। ऐसे जब हो रहा है तो आप उस रिएक्शन फ्लास्क को आइस में रखिए ताकि रिएक्शन उतनी विगरस ना हो, धीरे धीरे रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पर प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए कि जब भी आप इथेनॉल ऐड कर रहे हो तो स्लोली 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 ऐड करें, जितना स्लोली ऐड करेंगे उतनी स्लोली रिएक्शन होगी और विगरस नहीं हो पाएगी। ओके, फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर आप ये एडिशन जो है आइस बाथ में कंटेनर रख कर भी प्रोसीड कर सकते हैं। व्हेन ऑल द सोडियम हैज कंप्लीटेड द रिएक्शन, ऐड डाइमिथाइल मेलोनेट। जब आपका पूरा इथेनॉल ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऐड करना है डाइइथाइल मेलोनेट, कितना, 80 ग्राम, यानी 76 ml आपको डाइइथाइल मेलोनेट उसमें ऐड करना है। ये भी स्लोली ऐड करें, पोर्शन में जरूरत नहीं बट स्लोली ऐड करें, ताकि आप बीच में अगर विगरस रिएक्शन लगती है तो आप रोक सके एडिशन। उसके बाद फॉलोड बाय अ सोल्यूशन ऑफ ड्राई यूरिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राई यूरिया का सोल्यूशन बनाना है, किसमें बनाना है, 30 ग्राम आपको ड्राई यूरिया लेना है और उसे आपको मिक्स करना है या डिजोल्व करना है 250 ml हॉट एब्सोल्यूट इथेनॉल, यानी 250 ml इथेनॉल लेना है एब्सोल्यूट, उसको 70 डिग्री, जब हॉट रहेगा 70 डिग्री टेम्परेचर, उस टाइम आपको ड्राई यूरिया उसमें ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है, सोल्यूशन बन जाएगा और उसी हॉट सोल्यूशन को आपको ट्रांसफर करना है रिएक्शन मिक्सर, जिसमें कि हमने पहले डाला था सोडियम, फिर डाला इथेनॉल, उसके बाद डाइथाइल मेलोनेट और आप डालेंगे हम यूरिया इन एब्सोल्यूट इथेनॉल, यानी यूरिया का सोल्यूशन। फिर इस मिक्सचर को अच्छे से शेक कीजिए, उसके बाद अटैच अ कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब एट द टॉप ऑफ द कंटेनर। कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब, यानी ऊपर से एक ऐसा ट्यूब होता है इसका मतलब ट्यूब, यानी जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड रखे ताकि वेपर्स स्कीप आउट ना हो, इथेनॉल का लूज, क्योंकि पूरा इथेनॉल ही है एज अ सॉल्वेंट, तो इथेनॉल इवेपोरेट ना हो, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पर लगाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का गार ट्यूब आपको कंडेंसर के टॉप में ऐड करना है। उसके बाद आपको रिफ्लक्स स्टार्ट करना। अब रिफ्लक्स कितनी देर के लिए करेंगे, 7 घंटे, 7 आवर्स के लिए तो पॉसिबल है कि आपका वाटर इवेपोरेट हो जाए वाटर बाथ में का, तो बेटर टू गो विद अ मेंटल, जो कि हॉट मेंटल होता है या हॉट प्लेट होती है, इसके जरिए जाइए, या फिर ऑयल बाथ, बेस्ट ऑप्शन ऑयल बाथ में रखिए, और टेम्परेचर जो है 110 डिग्री को मेंटेन होना चाहिए, हीट टू 110 डिग्री सेल्सियस। वाइट सॉलिड विल बी सेपरेट, तो रिएक्शन मिक्सचर में आपको 7 घंटे बाद जब आप देखेंगे इसमें, तो आपको व्हाइट सॉलिड सेपरेट हुआ दिखेगा। ट्रीट द रिएक्शन मिक्सचर विथ अ हॉट वाटर, गर्म कीजिए पानी को 50 डिग्री तक, कितना, 450 ml, फिर इस ये 450 ml हॉट वाटर उस रिएक्शन मिक्सचर में डालिए, देन विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और कॉन्स्टेंटली उसको स्टर कीजिए पूरे रिएक्शन, जब तक कि पूरा सोल्यूशन एसिडिक ना हो जाए। तो इसके लिए आपको तकरीबन 40 से 50, यानी 45 ml के आसपास आपको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगे, ओके, यानी 450 ml पानी डाले, रिएक्शन मिक्सर गर्म हो गए, 7 घंटे हो गए, उसके बाद गर्म सॉल्यूशन को निकालना है, उसके अंदर 450 ml गर्म पानी डालना है 50 डिग्री वाला, फिर उसके अंदर थोड़ा 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 आपको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना, कब तक, जब तक पूरा सोल्यूशन एसिडिक ना हो, लिटमस से आप चेक कर सकते हैं। तो ये होने के लिए तकरीबन 40 से 50 ml तक आपको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होगी। उसके बाद फिल्टर द रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर सोल्यूशन, उसके बाद क्या होगा, आपका जो रिएक्शन सोल्यूशन पूरा क्लियर हो जाएगा, उसको पूरा क्लियर होने दें और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें 1 रात के, ओके, फॉर नियर अबाउट 12 to 18 आवर्स के लिए। फिल्टर द सॉलिड एट पंप, उसके बाद उसको उसमें सॉलिड दिखेगा आपको, तो उसको फिल्टर कीजिए, उसको 25 ml ठंडे पानी के साथ वॉश कीजिए, वॉश विथ अ कोल्ड वाटर, ड्रेन वेल, यानी उसको पूरा पानी सूखने दें उसके बाद उसका, और उसको ड्राई कर दे 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटे, जो प्रोडक्ट आपका आएगा उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटे के लिए ड्राई होंगे,
उसके बाद उसका आप यील्ड ले सकते हैं, जो कि तकरीबन 50 ग्राम आना चाहिए, यानी 78% तक परसेंटेज आती है। इट मेल्ट्स विद डिकम्पोजिशन एट 245 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो 245 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट जो कि, और उसके बाद ये मेल्ट होता है, इसका मतलब पूरा एसिड डिकम्पोज हो जाता है। कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डाइथाइल मेलोनेट, हेंस इल्ड शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स अमाउंट टेक। ओके, मॉलिकुलर फार्मूला है डाइथाइल मेलोनेट का C7H12O4, इसके ऊपर से आप उसका मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। बारबिट्यूरिक का मॉलिकुलर फार्मूला है C4H4N2O3। उसके बाद मॉलिकुलर वेट डाइथाइल मेलोनेट का है 160 ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर वेट ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड है 128 ग्राम। तो इसके ऊपर से हम थियोरेटिकली कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, तो 160 ग्राम ऑफ डाइथाइल मेलोनेट फॉर्म्स 128 ग्राम ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। देयरफॉर 80 ग्राम हमने डाइथाइल मेलोनेट लिया था, तो 80 ग्राम डाइथाइल मेलोनेट विल फॉर्म डैश डैश, हम यहाँ पर कंसिडर कर एक्स ग्राम ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। X is equal to 128 into 80 divided by 160, which is equal to 64 gram. Theoretical yield है 64 gram. Practical yield जो आपकी yield आएगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद percentage yield के लिए practical yield divided by theoretical yield into 100, इस formula में रखेंगे तो आपको percentage yield भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको result लिखना है, barbituric acid was synthesized, the practical yield is dash dash gram, theoretical yield is dash gram, यानी जो आपने कैलकुलेट की जो कि 64 है वो आपने यहाँ लिखनी है। प्रैक्टिकली जो आपका वेट आएगा प्रोडक्ट का वो लिखना है। परसेंटेज जो हमने फार्मूला में कैलकुलेट की वो यहाँ पर राइट डाउन करना है। मेल्टिंग पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है, स्टैंडर्ड है 245 डिग्री सेल्सियस से नियर अबाउट आएगा। मॉलिकुलर फार्मूला ऑलरेडी पता है आपको, मॉलिकुलर वेट भी पता है तो वो यहाँ पर लिखना है। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर नोटबुक में ड्रॉ। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको सर्कुलेट भी कीजिए। ओके, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।